मॉर्निंग पार्थियंस, वेलकम टू पाथ ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम पंजाबी में सीखेंगे वाक रचना, कि हमें हिंदी में जो वाक्य दिए जाते हैं उसे पंजाबी में कैसे लिखना है। ओके, पेज नंबर देखो, आपकी बुक का पेज नंबर है 12। पेज नंबर 12 पर जो आपको मुक्ता वाले शब्द दिए गए हैं उसके बिल्कुल नीचे लास्ट में दिए हुए वाक रचना, मतलब वाक्य रचना। हम मैंने ये लाइन सीखी हिंदी में कि हम हिंदी से पंजाबी में सीखेंगे। ओके, आप पंजाबी टू हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी टू पंजाबी में, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, जब हम हिंदी में या इंग्लिश में लिखते हैं आंसर, यस, हम क्वेश्चन क्या लिखते हैं ना, आंसर, या हिंदी में लिखते हैं उत्तर, हम पंजाबी में उत्तर कैसे लिखेंगे? तो देखो केयरफुली ध्यान से, उत्तर ओ, ओ मतलब उड़ा, उड़ा, उड़े के नीचे छोटे उनकी मात्रा, ऊपर अद्धक, त, र, उत्तर। ओके, उत्तर, अद्धक जरूर डालेंगे, अगर आप अद्धक नहीं डालेंगे ऊपर तो उत्तर बन जाएगा, हमने बनाना है उत्तर। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं, घर चल, मतलब घर चल, मेरे घर चल, घर वर्ड हम ये बोलते हैं हिंदी में, पंजाबी में क्या बोलेंगे? कार, कग्गा, घ मतलब कग्गा, र, र, कार चल, च, ल, चल, कार चल। उसके बाद हमने डाला डंडा, जैसे हम हिंदी में कोई लाइन आंसर खत्म होते हम डंडा डालते हैं, सेम पंजाबी में भी आप डंडा डालेंगे। ओके, कार चल मतलब घर चल। आगे देखिए, घर चल कर पढ़, मतलब घर चल कर पढ़, तो हम कैसे लिखेंगे? घर मतलब कार, कार चल, कार पढ़, अब देखो पढ़, पढ़ मतलब प, ढ मतलब राड़ा, पढ़। ओके, प के ऊपर आप पूरी लाइन नहीं खींचेंगे तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, तो क्या बनी ये लाइन? कार चल कर पढ़। ओके, अब देखिए सेकंड आंसर, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उत्तर, यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तर। ओके, अब देखिए सेकंड में क्या है? डर मत, मतलब डर मत, ड, ड मतलब फिर को बंद कर दे, क्या बन गया? ड, डर, डर, डर मत, डर मत। आगे देखिए, जप तप कर, जप तप मतलब जप, जप तप, तप कर, कर कर, जप तप कर मतलब पाठ पाठ पूजा कर। आगे देखिए थर्ड नंबर पर क्या है, फिर लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, यहाँ क्या आ जाएगा? पहले उत्तर, अब देखिए क्या है ये लाइन? बड़ बड़ मत कर, बड़ बड़ मत कर मतलब ज्यादा मत बोल, तो सेम आ जाएगा, ब मतलब ब, ड मतलब राड़ा, बाड़ बाड़ मत मत मत। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम में भी क्या गलती की, क्या मिस्टेक की, आपने सेम ये वाला लिख दिया, जो हिंदी में म है इसे तो हम पंजाबी में स बोलते हैं, क्योंकि पूरी लाइन आ गई ना, बट हमने क्या बनाना है? म, तो आप इसके ऊपर पूरी लाइन नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पर आप पूरी लाइन खींच देंगे तो स बन जाएगा, हमने क्या बनाना है? म, मत कर, कर कर, क्या लाइन बनी है? बड़ बड़ मत कर मतलब ज्यादा मत बोल। ओके, आगे देखिए फोर्थ नंबर पर क्या है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उत्तर, ठीक है, अब देखो क्या लाइन है? नल पर चल कर जल बन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशन चेंज हो रही है पंजाबी, हिंदी टू पंजाबी में। देखिए नल, नल मतलब क्या आ जाएगा? नल। अब पर, पर मतलब पंजाबी में पर नहीं आता, पर मतलब ते, नल ते चल, चल चल, चल कर जल पान, कर नल ते चल कर, कर मतलब आगे क्या आएगा? जल, जल जल पार, भ आ गया ना, पार, नल ते चल के, सॉरी कर मतलब यहाँ पर, कर मतलब यहाँ पर क्या आएगा? के, क्या आ जाएगा यहाँ पर? के, क छोटी ए की मात्रा। ओके, हिंदी में क्या है? नल पर चल कर जल भर, पंजाबी में क्या करेंगे? नल ते चल के जल पार। यहाँ पर कन्वर्सेशन आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी केयरफुली, दोबारा देखिए, नल ते चल कर, कर मतलब के, जल पर। ओके, अब देखिए लास्ट हमारा क्या है उत्तर, लास्ट इज छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़, छत मतलब सेम आ जाएगा आपका, छत छत, पर मतलब ते, छत ते मत, देखिए म के ऊपर पूरी लाइन नहीं डालनी आपने, मत चढ़, च राड़ा चढ़, लास्ट देखिए छत पर मत चढ़, छत ते मत चढ़। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसे अपने असाइनमेंट पर लिखेंगे, चाहे हिंदी टू पंजाबी लिखें, चाहे पंजाबी टू हिंदी। ओके, एंड सेंड टू